This conference will now be recorded. अच्छा जी, आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जो हमारे कंट्री से रिलेटेड भी है। इस क्वेश्चन के इस एरिया के अंदर हम मुख्तलिफ आज चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसके साथ आज मैंने बड़े अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए, कल मैंने आपको व्हाट्सएप में वो सेंड भी किए थे, कुछ और चीज़ें भी इसके साथ डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह आज इस पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। हमारे आज के टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चरल इनकम, राइट? सर एक्सक्यूज मी, जी जी सर मुझे प्रमोट कीजिएगा। सर कुछ लोगों का ना इशू आ रहा है, उसे उनका कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मैंने आपको प्रमोट किया हुआ है? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। मैं आपको शेव, ये है ना आपका, मैं आपको करता हूँ। चला गया आपका नाम। शुएब के नाम से है ना आपका? यस सर, मोहम्मद शुएब अरशद होगा, शुएब अवान लिखा हुआ है। मोहम्मद सर शुएब अवान लिखा हुआ है सर, ये अवान, ये आ रहा है। जी कर दिया मैंने। ठीक है। अच्छा जी, आज हमारा बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, वो है एग्रीकल्चरल इनकम। कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, यानी एक चीज तो ये है कि क्या वो तमाम इनकम जो एग्रीकल्चरल लैंड से आएगी, क्या वो एग्रीकल्चरल इनकम होगी? पहला सवाल तो ये है। और वो कौन सी इनकम है जिनको हम समझते तो हैं ये एग्रीकल्चरल इनकम है, यानी क्या एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है, यानी चावल, क्या चावल एग्रीकल्चरल इनकम है? राइट, जो भी चावल बेचेगा वो एग्रीकल्चरल, क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है ना ये चावल, जो है टी हो गई आपके पास, जो है वो उसके बाद चिली हो गई, क्या ये सारी चीज़ें पूरे पाकिस्तान में इसको एग्रीकल्चरल इनकम कहा जाएगा? द आंसर इज नो। तो इससे क्या क्या चीजें हमें आज सीखनी है। नंबर वन, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, उसका रेंट उस जमीन से और उस जमीन का बेचना, ठीक है, इन चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले देखें, ये आपको मैंने कुछ पिक्चर शेयर की हैं आपके साथ। पहली चीज है प्लोइंग, हल चलाना। ये देखें, ये पहली पिक्चर है। अगर कोई साहब हल चलाएंगे, प्लोइंग करेंगे, खेतों को हमवार करेंगे, वो उनको जो पैसे मिलेंगे वो उनकी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी और वो पाकिस्तान में क्या है, एग्जेम्प्ट। उसके बाद वो साहब जो उसके अंदर बीज बोएंगे, सोइंग करेंगे, उनको वहां से जो पैसे मिलेंगे उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर वो लोग जो इसको पानी देंगे, ठीक है, पानी का इंतजाम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनकी वो भी एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी, वो भी क्या होगी, एग्जेम्प्ट। उसके बाद आ गया कि जब फसल पक जाएगी, उसकी जो देखभाल करेंगे, उसकी जो कटाई करेंगे, तो उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट, ठीक। उसके बाद उसकी कटाई करने के बाद अगर उसके ऊपर कोई प्रोसेस किया जाएगा, जैसे थ्रेशिंग है, जैसे आप चावलों को उसमें से वो निकालते हैं ना हस्क में से, ठीक है ना, तो उन लोगों की इनकम भी एग्जेम्प्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो लोग इसकी पैकिंग करेंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है कि वो फसल जो कटेगी उसको पैक करके ही आपने आगे बेचना है ना,
वो इनकम भी एग्जेम्प्ट, वो भी एग्रीकल्चरल इनकम में आएगी, ठीक। उसके बाद उस फसल को जो लोग स्टोर करेंगे, ठीक है, वो जो उसको स्टोरेज आप होगी उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट। उसके बाद वो लोग जो उसको मार्केट में लेकर जाएंगे उनकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी। ये बात समझ आ रही है? और इस सारे प्रोसेस में एक है ओनर ऑफ लैंड, इस एग्रीकल्चरल लैंड का एक मालिक है। अच्छा, उसकी जो इनकम होगी वो भी एग्जेम्प्ट। यानी ये तो वो लोग है ना जो काम कर रहे हैं, जो आपको पिक्चर नजर आ रही है, कोई हल चला रहा है, कोई बीज बो रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई फसल काट रहा है, जाहिर बात है उसके मजारे हैं, उनको पेमेंट कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। तो इन तमाम लोगों की इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कहलाएगी और वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। उसके बाद आ गया जमीन का ऑनर, ठीक है, जिसने ये फसल बेची उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट, ठीक है, उसकी इनकम भी क्या हो गई, एग्जेम्प्ट। तो पूरी सप्लाई चेन जो थी यहां तक जो थी वो पहुंचने तक क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। अच्छा, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये खुद फसल ना बेचे, ये अपनी जमीन को किस पे दे दे, रेंट पे दे दे, तो उसका जो वहां से रेंट उसको मिलेगा वो भी एग्जेम्प्ट, उस पर भी कोई टैक्स नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो ये सारे प्रोसेस के अंदर इसको हम एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं, और ये हमारा सेक्शन है सेक्शन 41। ये पहली चीज थी, ठीक है, इसको ये एक इम्पोर्टेंट हमारी चीज थी कि ये तमाम लोगों की इनकम जो है हमारे पास है एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन एक चीज जरा देखिएगा कि अगर आप किसी चीज को बेच सकते हैं मार्केट में और वो एज इट इज यूज हो सकती है, क्या कहा मैंने, एज इट इज यूज हो सकती है, लेकिन आपने उसके ऊपर प्रोसेस कर दिया, उसका अब क्या होगा, अब वो जो है वो जो नेक्स्ट आप प्रोसेस करके बेचेंगे वो अब एग्जेम्प्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लें कि आपने राइस जो थे उसकी आपने काश की, कल्टीवेशन किया आपने, राइट, राइस के जितने प्रोसेस हैं उसको बीजने से लेके काट के मार्केट तक जाने तक, ये सारे एग्जाम्पल। मसलन आपकी जो कॉस्ट ऑफ राइस है, जो आपने लोगों को पेमेंट की, फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लगाने वाले को पेमेंट की, हल चलाने वाले को पेमेंट की, आपने बहुत सारे लोगों को पेमेंट की, आपकी टोटल कॉस्ट आ गई 100। आपने बीज भी परचेज किए, आपने उसमें सारा कुछ किया और आपने उसको मार्केट में बेच दिया जाके 1,000 रुपये में, तो आपकी इनकम कितनी है, 900, दिस इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, ये समझ आ रही। ये आपने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा और राइस बना के मार्केट में बेच दिए, ये जरा बात याद रखनी है आपने, 900 क्या हो गई, एग्जेम्प्ट हो गई। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आपने इसके ऊपर एक नया प्रोसेस कर दिया चावलों के ऊपर, ठीक है, आपने क्या किया कि राइस फ्लोर बना दिए, फिर नहीं खाई कभी आप लोगों ने, यस सर, मैंने खाई। माशाल्लाह, ये शुएब ने खाई, बाकी तो मेरा ख्याल किसी ने नहीं खाई, अल्लाह का शुक्र है, फिर नहीं खानी भी नहीं है आपने। तो शुक्रिया जी। राइस वो पाउडर नहीं होता चावलों का जिससे फिर नहीं बनती है, शादी ब्याह में जी आम सर, जो है ना वो डिश होती है, जी सर खाई खाई है सर। बड़ी जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, चलें अल्लाह ताला आपको पास करे, फिर जो है ना वो खिलाइएगा अपने उस्ताद को भी। अच्छा, तो राइस उसने क्या किया कि बजाय चावल बेचने के उसने उसका पाउडर बना दिया और उसको मार्केट में बेच दिया और वो बिक गए 1,500 के। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आगे सीन आ गया, ये टैक्सेबल है। अब ये क्या है, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। क्यों भाई, आपका एग्रीकल्चरल जो प्रोसेस था वो राइस तक कंप्लीट हो गया था, यहां तक उसका एंड हो गया था। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को किसी और एक्टिविटी में यूज करेंगे, दोबारा सुन लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, यू आर द प्रोड्यूसर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड यू यूज दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन नेक्स्ट एक्टिविटी, आप उसको यूज करते हैं, दैट एक्टिविटी इज टैक्सेबल, दैट एक्टिविटी इज टैक्सेबल। लेकिन बड़ी जबरदस्त चीज ये देखिएगा कि अब आपका गेन कितना है, टैक्सेबल अमाउंट कितनी होगी, बड़े ध्यान से सुनना आपने। देखें, आप अगर चावल बेचते हैं तो चावल कितने एग्जेम्प्ट थे, कितने के बिकते थे, 1,000 के। अगर बेच देते हैं तो लॉ कहता मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, यानी यहां तक आपकी इनकम एग्जेम्प्ट है, 1,000 रुपये तक हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे, जो उसकी मार्केट वैल्यू या सेल प्राइस है। मैंने उसके ऊपर प्रोसेस कर दिया, मैंने क्या किया उसके ऊपर प्रोसेस कर दिया और उसको आगे 1,500 का बेच दिया। अब लॉ कहता है कि ये जो तुम्हारी इनकम है ना, ये जो एग्जेम्प्ट थी, अब यही तुम्हारी कॉस्ट ऑफ सेल ट्रीट की जाएगी। तो हम कहेंगे कि मेरी जो सेल है, सेल वैल्यू है 1500 और मैं कहूंगा कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू 1000, तो मेरी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी, 500। अच्छा, अब एक मिनट सुनिएगा। अच्छा, अब आप कहते हैं कि भाई मेरा एक्चुअल कॉस्ट तो 100 आई है, मेरी एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है, 100 आई है, लेकिन आप कॉस्ट ऑफ सेल 1000 क्यों माइनस कर रहे हैं? भाई इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहां तक तो मेरी इनकम एग्जेम्प्ट थी। यानी आप देखें, मैंने 100 की कॉस्ट से 1,000 रुपये की चीज प्रोड्यूस की, यहां तक लॉ कहता मैं आपसे टैक्स नहीं ले रहा, मैं आगे चला गया, मैं 1500 तक चला गया, टैक्सेबल एक्टिविटी तक आ गया। लॉ कहता है ये वाली जो तुम्हारी एक्टिविटी है ना, ये टैक्सेबल है। यानी यहां तक तो ये सारा एग्जेम्प्ट था प्रोसेस आपका, आपने जो भी किया, इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो जो 500 है, इस पे मुझे टैक्स देना है। ये पेपर, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका होगा, ये बात समझ आई आपको? अच्छा, आप कहते हैं, आप नया सवाल ये पैदा करते हैं, सर ये जो उसने चावलों को आटे में तब्दील किया, उसने उसका पाउडर बनाया, फ्लोर बनाया उसका, तो उस पे भी तो कोई खर्चा आया होगा ना? बिल्कुल आया होगा। फॉर एग्जाम्पल कि हम कहते हैं कि उसने जब इस राइस को आटे में कन्वर्ट किया, फ्लोर में कन्वर्ट किया, तो उसके 50 रुपये खर्चा आ गया उसके ऊपर। हम कहते हैं ठीक है, तो फिर उसका गेन कितना होगा? सुनिएगा, फिर हम कहेंगे उसकी सेल 1500 की और उसकी कॉस्ट ऑफ सेल 1000, जो कि इनकम उसकी एग्जेम्प्ट थी, प्लस फर्दर कॉस्ट जो उसने उसको किया उसके ऊपर 50, वो भी उसकी कॉस्ट बन जाएगी। तो इस तरह से उसकी जो टैक्सेबल इनकम आएगी वो 450 आएगी। अब समझ आई बात की? इससे ये हमें पता चला कि अगर हम किसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, दोबारा सुनिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अपने किसी बिजनेस में या किसी फर्दर प्रोसेस में यूज करें, तो उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस दिन वो हमारी कॉस्ट बन जाएगी। ये बात अब आपने अपने ज़हन में रखनी है। अगर हम उसको बेच देंगे तो एग्जेम्प्ट, लेकिन अगर उसको फर्दर प्रोसेस में यूज करेंगे तो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, कॉस्ट बन जाएगी। ये बात सबको समझ आ गई बेटा? जी, एनी क्वेश्चन? जी चले आगे। सर ये फेयर मार्केट वैल्यू वैल्यू की बात को रिपीट कीजिएगा। ये देखिए, मैंने चावल जो अपनी कल्टीवेशन की, राइस की, उसके ऊपर मैंने पानी लगाने वाले को 10 रुपये दिए, इस तरह मैंने 20 रुपये किसी को दिए, टोटल मैंने 100 की मेरी कॉस्ट आ गई। मैं एक दिन मार्केट जाता हूं और मैं देखता हूं कि वो चावल मेरे कितने के बिक रहे हैं, 1000 के, ठीक है, यही फेयर मार्केट वैल्यू है ना, मैं उसी मेरे मार्केट वैल्यू के ऊपर ही इसको बेच रहा हूँ। अगर मैं इसको बेच दूं तो मेरे से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर इसको बेचने की बजाय मैं इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस कर दूं, इससे कोई नई चीज मैं बना दूं, ठीक है, तो वो क्या होगी, उस दिन की फिर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, वो मेरे लिए क्या बन जाएगी,
कॉस्ट बन जाएगी। ये ऐसे ही गिना जाएगा कि जैसे ये चावल मैंने किसी से खरीदे हैं। अगर मैं बाहर से भी देखे ना, अगर मैं खुद अगर ये काम करता कि मैं बाजार से राइस लेता तो मुझे कितने के मिलने थे? 1000 के। उसके ऊपर मैं फर्दर प्रोसेस करता, ठीक है, इसको ग्राइंड करता तो मेरा 50 का खर्चा आ जाना था। टोटल मेरी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होनी थी? 1050। और बेचनी मैंने कितनी थी? 1500 की। तो मेरी फिर टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई थी? 450। यानी अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आगे किसी प्रोसेस में यूज करेंगे तो ये ऐसे ही समझ लें जैसे ही आपने बाजार से खरीदे हैं, वो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। अब समझ आ गई आपको? अच्छा, यस सर, अब सर सुनिएगा, फेयर एफएवी मार्केट वैल्यू जो है, जी सर, वो किस दिन के लिए नहीं है? जिस दिन हम सेल करने लगे हैं या जिस दिन प्रोसेसिंग हो रही है हमारे पास? जिस दिन आपने प्रोसेस में इसको यूज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। आपने इम्प्लॉय कर लिया उसको। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल सुनिएगा। जैसे चिलीज है, चिली इज एग्जेम्प्ट। चिली क्या है? एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप इसको नेशनल अचार मसाले में यूज कर देंगे तो ये टैक्सेबल है, ये आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है। ठीक हो गया, राइस की मैंने आपको एग्जाम्पल दी, ठीक है। यानी कोई भी चीज, इस तरह आपका शुगर केन है, शुगर केन आप बेचते हैं, ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्प्ट। लेकिन अगर आप इसके शुगर बेचनी शुरू कर दें, शुगर बना दें, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। यानी कोई चीज अगर वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन में यूज हो सकती है लेकिन आप उसको फर्दर प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, अब जरा इसकी डेफिनेशन को हम डिस्कस करते हैं, कुछ इसकी इलस्ट्रेशंस को। एक आर्टिकल मुझे मिला था नेट से, वो मैंने आपके लिए डाउनलोड किया और वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिएगा, इसमें जो डेफिनेशन है वो कहता है डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। अब देखिए एग्जाम में इसके ऊपर क्या क्या बात आज तक हो चुकी है। नंबर वन तो आपसे डेफिनेशन पूछता है एग्रीकल्चरल इनकम का, नंबर टू आपसे इसके कोई इलस्ट्रेशन बना देता है, और नंबर थ्री उसने एक दफा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आगे यूज भी किया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम। कहता जी एनी रेंट और रेवेन्यू। एनी रेंट और रेवेन्यू, रेंट से क्या मुराद? मैं जमीन किराए पे दे देता हूँ तो वो मुझे रेंट मिलेगा, और रेवेन्यू यानी उससे मुझे, मैं अगर उसकी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बेचता हूँ तो वो मेरा रेवेन्यू हो गया। ड्राइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम लैंड, फ्रॉम, ये बात सुनिएगा, लैंड विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। इट मीन्स कि अगर वो लैंड पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर है, तो फिर वो हमारी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होगी। उस लैंड का पाकिस्तान में मौजूद होना लाजमी है और वो एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए यूज हो, उससे जो रेंट मिले या रेवेन्यू मिले वो मेरी एग्रीकल्चरल इनकम होगी। क्या यहाँ सेल की बात की गई है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, क्या यहाँ पर बेटा सेल की बात की गई है? तो ये हो रेवेन्यू सकता जो है है यहाँ सेल से कहा भी गया इंक्लूड। उस, क्या उस लैंड को सेल की बात की गई है? नो नो सर, सर, नहीं की गई। ये बात जहन में रखनी है कि बेटा ये जो लैंड को अगर सेल किया जाएगा उसको हम एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहेंगे। ये ध्यान से आपने वर्ड जो है ना वो सुनना है। सिर्फ उस लैंड से अगर आपको रेवेन्यू मिले या रेंट मिले, जो पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी है। आगे चलते हैं। कहता जी एनी इनकम, फिर बार जिक्र, एनी इनकम ड्राइव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसको कहते हैं? हर वो काम जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये सारे एग्रीकल्चर हैं। ये जितनी तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, पानी देना, उसका फसल में बीज को बोना, उसकी कटाई करना, उसकी देखभाल करना, उसको स्टोरेज हाउस तक लेकर जाना, उसके अंदर उसकी थ्रेशिंग करना, पैकिंग करना, इसको एग्रीकल्चरल प्रोसेस वो कहते हैं। उसके बाद कहता है जी अब इसको कनेक्ट करना, आपने एनी इनकम फ्रॉम, फ्रॉम को कनेक्ट करना है द परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर।
यानी आप उसको एग्रीकल्चर नहीं, कोई और काम, कल्टीवेटर जो उसके ऊपर कोई प्रोसेस कर रहा है, और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। अच्छा, गांव के अंदर एक बड़ी चीज होती है कि वो कहते हैं कि भाई ये मेरी जमीन है, तुम हल चलाओ, तुम बीज बो, तुम सारा काम करो। जब वो फसल तैयार हो जाएगी, ठीक है, जब फसल क्या होगी, तैयार हो जाएगी, तो 70% तुम्हारी, 30% मेरी, क्योंकि जमीन मेरी है और मेहनत तुम्हारी है। तो इसको कहते हैं रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, कि मैंने उससे किराया नहीं लिया बल्कि इन काइंड यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उससे मैंने ले ली, ऑफ एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, जितने प्रोसेस ऑर्डिनरली इम्प्लॉयड, जो कि नॉर्मली इम्प्लॉय किए जाते हैं बाय सच पर्सन टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय द पर्सन फिट टू बी टेकन टू द मार्केट, जितना मार्केट तक जाने के लिए था उस प्रोसेस तक वो होगी, ठीक है, उस तक मार्केट जाने तक की जो इनकम होगी उस पे आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो लोग जो खेतों से उठाते हैं फसल को और उठा के मार्केट में फेंक देते हैं जाके, उनसे भी कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनकी भी एग्रीकल्चर इनकम ट्रीट की जाएगी। पहली लॉ ने ये बात की। अच्छा, इसके नीचे एग्जाम्पल है, ये नोट मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है जी सेल, अब आगे सेल, पहले थी प्रोसेस की, अब आगे सेल बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। दो लोग हैं, राइट, एक है, फर्ज करें एक मैं हूं, मेरी जमीन है, और एक है मेरा जो, जिसको मैंने जमीन दी कि भाई जान मेरा मजार है या जो भी आप उसको कहते हैं, आप इस पे काम करें। तो जो फसल आई उसमें क्या क्या शेयर था, मेरा 30% था और उसका 70% था, तो हम दोनों ने उसको मार्केट में बेच दिया, तो हम दोनों की इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, बेशक मैंने उसको कल्टीवेशन की या किसी और ने की, ठीक है, चूंकि वो रिसीवर इन काइंड में आ गया इसलिए वो भी एग्जेम्प्ट। ऑफ द प्रोड्यूस, प्रोड्यूस से क्या मुराद है, राइस, ठीक है, ये चावल हो गए, चिली हो गई, टी हो गई, तो ये प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय सच पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज बीन परफॉर्म्ड अदर देन अ प्रोसेस ऑफ द नेचर डिस्क्राइब्स। ये जो है उसने प्रोसेस किया, इसके अलावा कोई और प्रोसेस उसने नहीं किया। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, दूसरे प्रोसेस क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपने शुगर से क्या कर लिया, उसको क्रश किया और उससे शुगर बना ली, तो वो प्रोसेस फिर एग्रीकल्चरल प्रोसेस में नहीं गिना जाएगा, ठीक है, ये दूसरी चीज है। इसका मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेस करें या उसको बेच दें या आप उसको स्टोर कर दें, जो भी काम होंगे सारे के सारे एग्रीकल्चर में जाएंगे। उसके बाद आगे जी, आगे एनी इनकम ड्राइव बाय अ पर्सन फ्रॉम एनी बिल्डिंग। अब आगे बिल्डिंग, पहले बात हुई लैंड की, ये देखें जो हमारा सबसेक्शन 1A और बी था, ए और बी में किसकी बात हो रही है, नोट करें, लैंड की, लैंड वो जो यूज हो रही है। अब यहां पर क्या आ गई सबसेक्शन सी के अंदर, बिल्डिंग ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द रिसीवर ऑफ रेंट और रेवेन्यू ऑफ एनी लैंड डिस्क्राइब्ड इन क्लॉज ए और बी, राइट। अगर कोई बिल्डिंग जो है आपने ऑक्यूपाई की और वो किस पर्पज के लिए यूज हो रही है, वो जो ऊपर हमने बातें पढ़ी एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए, देखे ना, आपने थ्रेशिंग करनी है, अगर बारिश हो रही है तो आप क्या करेंगे, एक बिल्डिंग यूज करेंगे, उसके अंदर इसकी थ्रेशिंग करेंगे, ठीक है, कोई अगर काम करना है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसी फसल है जिसके ऊपर कोई प्रोसेस होना है, ठीक है, तो उसको, उसका छिलका उतारना है, वो छिलका उतार के आपने बेचना है, तो आप क्या करेंगे, उनको मजदूरों को कहते हैं भाई बिल्डिंग में ले जाओ, वो जो बिल्डिंग इस काम के लिए इस्तेमाल होगी, राइट, उसका जो रेंट आएगा या उससे जो इनकम आएगी वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद है एनी बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर या उसकी अपनी हो और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी लैंड इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द प्रोड्यूस ऑफ विच एनी ऑपरेशन स्पेसिफाइड, वही यानी उस बिल्डिंग को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए या किसी प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किया जाए जो ऊपर हमने कहे हैं, वो भी इसमें जाएगी। मसलन आज सुनने में आया, मैंने देखा नहीं है,
सुनने में ये आ रहा है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह कुछ कहते हैं, कुछ फसलें जो है वो क्या करते हैं, जो आउट ऑफ सीजन होती हैं उनको वो ओपन फील्ड में नहीं वो काश्त करते, उनकी कल्टीवेशन कहाँ होती है, बिल्डिंग के अंदर, वो उनको आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जाहिर बात है कि अब वहां वो जमीन के ऊपर नहीं उग रही, वो बिल्डिंग के अंदर जाके उसके ऊपर प्रोसेस किया जा रहा है। तो वो कहता है वो बिल्डिंग जिसके अंदर वही प्रोसेस किए जाएंगे जो एग्रीकल्चरल प्रोसेस है, उसकी इनकम भी क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने जो, हाँ ये तीन चीजें थी हमारी जो हमारी इसमें आ रही थी। अब यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन ये आ रहा है। मेरा एक स्टूडेंट था सीए का ही, वो कहता था सर हम जो है ना वो हमारे फील्ड है इधर, तो वहां पर चलगोजा जो है वो पैदा होता है, तो गवर्नमेंट कहती है ये आप उतार लें, आप हमें इसकी पेमेंट ना करें। वो चलगोजा क्या, सवाल ये पैदा होता है, क्या वो चलगोजा उतार के बेचना ये भी एग्रीकल्चरल इनकम है? सुनिएगा, इसके ऊपर मैंने कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस किया ही नहीं, इसके ऊपर मैंने कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस किया ही नहीं। तो यहां से ये बात हमें समझ आती है कि अगर आप उसके ऊपर कोई एग्रीकल्चर प्रोसेस नहीं कर रहे, आप कोई इंटेंशन नहीं, तो फिर इसको एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन में नहीं लिया जा सकता, अब आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने खेत को बनाया, उसको हमवार किया, वहां दरख्त लगाए, वहां से चलगोजा उतारा और जाके मार्केट में बेच दिया, फिर ये आपकी एग्रीकल्चरल वो इनकम गिनी जाएगी। अच्छा जी, अब नीचे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ये देखिएगा आपके लिए, बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, नेट पे भी अवेलेबल है। ये है एग्रीकल्चरल इनकम, इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर ग्रेजिंग, घास वगैरह के लिए, उसे वो जो जानवर छोड़ देते हैं उसके लिए आप कहते हैं ठीक है जी मेरी फील्ड आप फसल को यूज करें। टी, फ्रूट्स फ्लावर्स, इनकम फ्रॉम हॉर्टिकल्चर, बागवानी के लिए, फ्रूट नर्सरीज, कल्टीवेटेड फॉरेस्ट, इन सब के लिए जो है वो यूज होगी। कौन सी इनकम नॉन एग्रीकल्चरल होगी, यानी जो मिक्स करते हैं लोग, फी चार्ज फॉर कटिंग डाउन टिम्बर्स, ठीक है, यानी एक साहब ये जो हमारे इसमें जाएं कलाम की साइड के ऊपर, तो वहां पर दरख्त जो है ना वो काटने पे बड़ी पाबंदी है, ठीक है ना, तो वहां जो लोग दरख्त काटते हैं वो अच्छी खासी उसकी पेमेंट लेते हैं, ये आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं कहलाएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ टिम्बर बाय मिडल मैन हु बॉट इट फ्रॉम द कल्टीवेटर, जो टिम्बर को बेच रहा है, यानी टिम्बर मार्केट में जो चीजें हैं वो आप उसको एग्जेम्प्ट नहीं कह सकते। इनकम फ्रॉम शुगर, टी, राइस, राइस फैक्ट्री जो है, इनकी इनकम भी इसमें एग्जेम्प्ट नहीं होगी। हाँ, अगर आप उस जो है वो पत्ती को बेचते हैं, यानी आप एग्रीकल्चरल प्रोसेस करने के बाद उसको बेचते हैं, तो वो उसमें मेरे ख्याल में एग्जेम्प्ट होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, जी सर, जिन लोगों की राइस मिल्स होती हैं सर, इनको एग्जेम्प्ट होता है कुछ? राइस मिल जो है वो तो एग्जेम्प्ट है ना, राइस की जो, यानी जो खुद उगा के उसको आगे वो बेच रहे हैं, यानी राइस मिल जो है वो लेके उसको बेचते हैं, वो तो उनकी इनकम एग्जेम्प्ट है राइस मिल्स की, वो टैक्स दे रहा है इसके ऊपर। सर जो राइस पॉलिश होता है सारा प्रोसेस के बाद, वो सारा कुछ एग्जेम्प्ट है? और उसके बाद जो आप उसको सिला बनाते हैं, हीटेड राइस बनाते हैं, वो मेरा ख्याल लोग मार्केट में नॉर्मली वो टैक्स तो नहीं देते, लेकिन वो जो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली उनको वहां पर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि वो चावल वैसे बिक सकता था, लेकिन मैंने नहीं देखा कि लोग उसके ऊपर टैक्स देते हैं, यानी जो सिला बनाते हैं, यानी वो इसको प्रोसेस करते हैं, हीट देते हैं चावलों को, मेरा नहीं ख्याल उसके ऊपर वो टैक्स उसको पे करते हैं, वो उसको एग्रीकल्चर इनकम में डाल देते हैं पकड़ के। अच्छा जी, सेल ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन इनकम फ्रॉम, यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, ये उन साहब ने अपनी उनकी जजमेंट है कि पानी उसको देना जो है, मेरे ख्याल में ये एग्रीकल्चर प्रोसेस के अंदर ही आता है, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। मैंने बताया कि ये सारा आर्टिकल्स है, नेट से मैंने उठाया है, तो मैं इस बात से वैसे एग्री नहीं हूँ कि आप पानी दे रहे हैं इरीगेशन के लिए, तो मेरे हिसाब में एग्रीकल्चर प्रोसेस के अंदर ही है, क्योंकि आप पानी नहीं देंगे तो फसल कैसे उगेगी, तो उसका वो हिस्सा है। इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग जो है, ये अलग इंडस्ट्री है, इसलिए ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में नहीं आती, क्योंकि डेयरी फार्मिंग के अंदर जानवर इस्तेमाल होते हैं,
जबकि हमारी एग्रीकल्चरल इनकम की जो डेफिनेशन है वो किस में यूज होती है, वो कहाँ कौन सी इनकम है, या वो लैंड से हो या वो बिल्डिंग से हो। इसलिए जो जानवर है वो लैंड और बिल्डिंग दोनों में शामिल नहीं होते, इसलिए ये चीजें एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए की जा सकती है। अच्छा जी, एक तो ये चीज डेफिनेशन जो आपने याद करनी है, इसमें सब सेक्शन ए, सब सेक्शन बी और सी, अगर आप अपनी किताब देखेंगे तो उसमें खालिद साहब ने बड़े आसान तरीके से ये सारी बातें की हुई हैं। अब जरा अपने क्वेश्चन सामने रखिएगा, जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिए थे। इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर वन, मिस्टर एग्री कल्टिवेट्स राइस एंड सोल्ड इन द मार्केट, ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। सेल ऑफ राइस, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मीन किसी को उसने खाद डालने के लिए पैसे दिए, पानी देने के लिए पैसे दिए, ये सारी चीजें। तो इसकी इनकम कितनी होगी, पहले इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो आप कहेंगे सेल 2 मिलियन, फिर इसमें से आप लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, फिर इसमें से अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो 1 मिलियन माइनस करेंगे, तो इसकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, 1 मिलियन। तो आप ये कहेंगे जी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है, ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक, इसको टैक्सेबल इनकम नहीं बोलना, इसको क्या कहना है, एग्जेम्प्ट इनकम। ठीक है, आपने चावल को बेचा, लेकिन ये बात याद रखें, ये आपने क्या किया है, कल्टीवेट किए हैं। ये लफ्ज जरा ध्यान से देखना, आपने क्या किए हैं, कल्टीवेट किए हैं। अगर आप इसको कल्टीवेट नहीं करके चावल वैसे बेचते हैं तो फिर आपकी एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं जाएगा। अब देखिएगा, मिस्टर राइस मैन्युफैक्चर्स राइस फ्लोर, राइस फ्लोर उसका पाउडर बनाते हैं फॉर फिरनी, ही परचेजेस राइस फ्रॉम द मार्केट, और वो चावल मार्केट से खरीदते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। तो सेल ऑफ राइस, ये क्या है, टैक्सेबल, तो उसकी परचेज प्राइस ऑफ द राइस ये आ गई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस उसके ये आ गए, उसकी जो 10 लाख रुपया इनकम आएगी इसको हम कहेंगे टैक्सेबल बिजनेस इनकम। जी बेटा, दोनों में फर्क समझ आई आपको, यानी एक बंदा यस सर, चावल उगा के बेच रहा है वो एग्जेम्प्ट है, उसको भी 10 लाख रुपया बचा। एक बंदे ने उसका पाउडर बना के बेचा, उसको भी 10 लाख बचा, लेकिन चूंकि उसने एग्रीकल्चरल प्रोसेस नहीं किया उसके ऊपर, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गई, टैक्सेबल। दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके, 1 एंड 2। भाईजन क्लियर होगी बात, चलें आगे, 3 पे आ जाएं। मिस्टर यस कल्टीवेटर कल्टीवेट्स राइस, उसने चावल वो कल्टीवेट करता है। ड्यूरिंग द ईयर ही स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग राइस फ्लोर फ्रॉम द राइस। अब साल के दौरान उसने क्या हरकत की कि उसने कहा कि यार चावलों को छोड़ो, इसमें तो बचत ही नहीं है इतनी, चले फिरनी बनाते हैं। तो ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम। उसने कहा जी मेरी टैक्सेबल इनकम बताइएगा। उसने क्या किया, सेल ऑफ राइस, ये उसकी सेल हो गई, बिल्कुल ठीक है। कहता जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द राइस यूज्ड वो कितना है, 2 मिलियन। देखें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क सुनिए, देखिएगा, इसमें वो खुद चावल उगा रहा था, ये चावल बना के उसने किया, यहाँ उसने परचेज किए हैं, सॉरी यहाँ पर वो परचेज कर रहा था इस क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ वो कल्टीवेट कर रहा है, खुद प्रोड्यूसर है वो चावलों का। अब क्या होगा कि अब उसने किया, उसने कहा जी अगर वो चावल मार्केट में बेचता तो वो कितने के बिकने थे, 20 लाख के, लेकिन उसने क्या किया, चावल बेचने की बजाय उसको क्या कर दिया, आटा बना दिया उसका। तो हमने कहा कि अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को यूज करेंगे, ठीक है, किसी अपने बिजनेस में या किसी और प्रोसेस में, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कितनी उसकी टैक्सेबल इनकम आएगी, देखें, हम कहेंगे जी सेल ऑफ राइस फ्लोर 3 मिलियन, ठीक है, और लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल उसने कितनी की,
अच्छा, इसके अंदर एक चीज ये है कि ये जो एक्सपेंसेस हैं ये किसके हैं, हमें इसकी अजम्पशन लेनी पड़ेगी। अगर तो ये वाले एक्सपेंसेस वो चावलों के हैं, दोबारा सुनिएगा, अगर तो ये एक्सपेंसेस चावलों वाले हैं तो हम फिर इसको इग्नोर कर देंगे, लेकिन अगर ये एक्सपेंसेस वो चावलों को पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए यूज हुए हैं तो फिर उसको यूज किया जाएगा। अंडरस्टैंड? तो इसमें हमें, मैं फॉर एग्जाम्पल मैं अजम्पशन लूँ कि ये सारी कॉस्ट जो हमारी इनकर्ड हुई थी वो सिर्फ राइस के लिए थी, राइट, उसके बाद हमने उसको पीस दिया, उसके ऊपर कोई खास कॉस्ट नहीं आई, तो फिर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, टैक्सेबल इनकम ये आएगी। हम कहेंगे जिसकी जो टैक्सेबल बिजनेस इनकम है वो 1 मिलियन है, ठीक है। ये दोबारा सुन लें कि अगर आपको, ये तो हमारी बन गई बेसिक कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल हो गई, अगर आपने इसको प्रोसेस करने के लिए फर्दर कोई कॉस्ट इनकर्ड की तो वो भी इसके अंदर आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ये आपकी बनेगी, राइट। अच्छा, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। रशीदा बेगम हैज रेंटेड आउट हर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड रिसीव्ड रेंट फॉर द ईयर ₹500,000। शी हैज ऑल्सो रेंटेड आउट अ पोर्शन ऑफ हर हाउस टू हर नेबर्स टू लिव। उसने अपने हमसायों ने कहा जी हमें घर का दे दें हिस्सा, तो उसने वो भी दे दिया उनको। द रेंट ऑफ ऑफ द हाउस वॉज ₹20,000 पर मंथ, और उसको 20,000 पर मंथ उसका किराया आ रहा था। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट हर टोटल एंड टैक्सेबल इनकम। इसकी टोटल इनकम कितनी है और टैक्सेबल इनकम कितनी है। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। इसमें हम लिखेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, वो कितनी आ जाएगी जी, 5 लाख। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड वो आ गई 5 लाख रुपया, ठीक है, बल्कि इसको हमें ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए। तो हम यहां पर लिख देंगे एग्जेम्प्ट, और उसके बाद हम लिखेंगे रेंट फ्रॉम हाउस 20,000 × 12, 240,000। तो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के आ जाएगी, ये लिखेंगे टैक्सेबल इनकम। अच्छा, क्वेश्चन में दो चीजें मांगी गई, उसकी टोटल इनकम भी बताएं और टैक्सेबल इनकम भी बताएं, तो लिहाजा हमें एग्जाम के अंदर यहां लिखना चाहिए टोटल इनकम 500,000 प्लस 2, तो ये आ जाएगी 740,000। ये बात समझ आई आपको कि उन्होंने जो एग्रीकल्चरल लैंड रेंट आउट की उसका जो किराया वो एग्जेम्प्ट हो गया, लेकिन उन्होंने जो घर दिया वो टैक्सेबल हो गया, तो उनकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी 240 और एग्री टोटल इनकम आ जाएगी 740 आ जाएगी। इस ओके जी, चलें आगे सर, चलते हैं। जी मैंने पूछा था कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का क्वेश्चन जो है सर, ये एग्रीकल्चर हाँ, इनकम के साथ मिक्स होके आ सकता है? वैसे में कुछ कहा तो नहीं जा सकता इसमें कोई इशू, मैं तो आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में आ चुके हैं मैं वो भी करवा रहा हूँ, और जो एग्जाम में आ सकते हैं मैं वो भी करवा रहा हूँ जो आज तक नहीं आए। देखे ना, आपके मेरे ख्याल के मुताबिक 80-90% जो आपका एग्जाम है वो पास पेपर से होता है, वो रिपीट हो रही होती हैं चीजें, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नहीं आती हैं, तो टीचर का यही हक होता है कि वो आपको वो चीजें भी करवाए जिनकी एक्सपेक्टेशन है। वो कैसे पता चलता है कौन सी चीजें आ सकती हैं? एक तो ऑर्डिनेंस में जो चेंज आती है उस चेंज को हमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है, दूसरा जो प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर चेंजेस आ रही होती है हमें वो भी करवाना पड़ती है, वो होती है इसके अंदर, ठीक।
ये तो पास पेपर आप जब तक करेंगे नहीं उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा। अच्छा जी, रशीदा बेगम आगे सुनिएगा। हैज सोल्ड आउट हर एग्रीकल्चरल लैंड फॉर 5 मिलियन। शी हैड परचेज दैट लैंड एट ₹1 मिलियन। शी हैज ऑल्सो सोल्ड आउट हर शॉप टू हर नेबर्स एट ₹2 मिलियन। शी हैड परचेज द शॉप फॉर ₹500,000। यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्यूट हर टोटल इनकम एंड टैक्सेबल इनकम। बेटा देखें, अब उसने एग्रीकल्चरल शॉप बेची या जो भी बेची, जमीन का बेचना, आगे कैपिटल गेन में जाके हम पढ़ेंगे, जमीन आपकी जो होती है ये कैपिटल एसेट होती है, आपका कैपिटल गेन में इसका टैक्स जाएगा। अब हम इसमें करेंगे कैपिटल गेन, तो पहले आएगा सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, कितने की बेची उसने, 5 मिलियन की। कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन की, तो 4 मिलियन उसका ये आ गया कैपिटल गेन। उसके बाद आ जाएगा सेल ऑफ शॉप, दुकान बेच दी जो कि एग्रीकल्चरल नहीं थी, वो है जी 2 मिलियन माइनस 500,000, तो 15 लाख रुपया उसका ये आ गया। तो ये आ गया जी 5.5 मिलियन। तो आप जरा नोट करें ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था। यहाँ रेंट आ रहा था वो एग्जेम्प्ट हो गया, ये बात नोट करने वाली है। एग्रीकल्चरल लैंड से रेंट आया एग्जेम्प्ट, ठीक है। यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड को आपने सेल किया टैक्सेबल, ये फर्क था। इसी तरह आपने उस घर को बेच दिया, वो भी आपकी टैक्स होगी। आपने जो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं उससे टैक्सेबल होगा। ये दोनों को फोर्थ और फिफ्थ में आपको ये समझाना मकसद था जी। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें पहले मेरे से। इट्स ओके जी बेटा, सेल समझ ऑफ आ गई इस शॉप बात की। टैक्सेबल शॉप बेची है तो टैक्सेबल होगी ना, जी सर, ठीक। जमीन बेच दे बिल्डिंग बेच दे वो टैक्सेबल है, ठीक। अच्छा अब चल, अच्छा अब एक चीज मैं बड़ी आपको जबरदस्त बताने लगा हूं, इसका ताल्लुक कंपनी के साथ है, ठीक है। ये एक एडिशनल पॉइंट है, हो सकता है आपको एग्जाम में मिले, हो सकता है ना भी मिले। देखें एक कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो एग्जेम्प्ट होती हैं, ठीक है। कंपनी अपनी इनकम पे भी टैक्स देगी, उसके बाद कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है अपने शेयर होल्डर्स को। क्या करती है, डिविडेंड समझते हैं ना, जो प्रॉफिट दिया जाता है। इसकी बाद में जाके डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। तो इस डिविडेंड के ऊपर शेयर होल्डर्स भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स पे करते हैं। इसका मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स को, कंपनी को एक तरह से डबल टैक्सेशन हो रही होती है कि पहले कंपनी अपनी इनकम पे 29% टैक्स देती है, उसके बाद शेयर होल्डर जो है वो टैक्स दे रहे होते हैं उसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। तो कंपनी का एक डिसएडवांटेज ये होता है। अब सुनिएगा, अगर कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट हो, क्या हो, कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट हो, तो ये बात याद रखें डिविडेंड फिर भी टैक्सेबल होगा। अगर कोई कंपनी टैक्स हॉलीडेज एंजॉय कर रही है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में है, ग्वादर में है, सीपैक में काम कर रही है, और खान साहब कहते हैं जी जो कंपनी भी सीपैक में काम करेगी 5 साल तक हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, उसको टैक्स हॉलीडेज बोलते हैं, वो एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन वो कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी, इट डजेंट मीन कि वो शेयर होल्डर की इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी, वो सिर्फ कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट है, अगले बंदे की इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है। लेकिन लेकिन सेकंड शेड्यूल के अंदर उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा अगर कोई एग्रीकल्चरल कंपनी, एग्रीकल्चरल कॉरपोरेट कंपनी, ठीक है, उसकी एग्रीकल्चरल इनकम है, तो जाहरी बात है वो एग्जेम्प्ट होगी। अगर वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे तो वो एग्जेम्प्ट हो। समझ आई, दोबारा सुन लीजिएगा।
पहला मैंने जो पहली चीज आपको बताई कि कंपनी अलग टैक्स देती है, शेयर होल्डर डिविडेंड के ऊपर अलग टैक्स देते हैं। दूसरी बात मैंने ये की है कि अगर कोई कंपनी एग्जेम्प्ट होगी तो लाजमी नहीं कि उसका डिविडेंड एग्जेम्प्ट हो, वो टैक्सेबल होगा। तीसरी बात मैंने बताई कि मासवाय एग्रीकल्चरल कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज जो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे आउट ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम, वो एग्जेम्प्ट हो। ये तीन चीजें मैंने आपको, आपके लेवल पे ये कभी आया नहीं है, आपके लेवल पे ये कभी चीज आई नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम की बात हो रही थी इसलिए मैंने आपसे ये चीज डिस्कस की है। जी कोई क्वेश्चन? नहीं जी। अब मैं जरा आपकी इस इनकम को जरा मैं समराइज कर दूं, जरा ध्यान से सुनिएगा पूरी, मैं मुकम्मल अब समरी आपके सामने वो रखने लगा हूं। हमने अपना जो सफर स्टार्ट किया था वो किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी से, अगर आपको याद हो। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग के साथ हमारे हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? पांच। सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन्स, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। समझ आ गई? अच्छा, इसमें क्या क्या हमने डिस्कस किया जरा ध्यान से देखिएगा। पहली चीज हमने डिस्कस की सैलरी की, ठीक है। अगर कोई इम्प्लॉई अपना घर में खुद ही टेनेंट हो, खुद ही क्या हो, किराएदार हो, यानी कंपनीज में अपने ही घर में वो टेनेंट बना हो, तो फिर उसको अकोमोडेशन गिना जाएगा और अकोमोडेशन के नॉर्मल रूल अप्लाई किए जाएंगे। क्या है वो? कि एक्चुअल रेंट ऑफ द हाउस और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी उसमें ऐड किया जाएगा, प्लस उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी उसको लेकर जाया जाएगा, लेकिन वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा। ये हमने इस चैप्टर में सेल्फ हायरिंग के केस में पढ़ा था, पहली बात। उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात की। हमने कहा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार तरह की इनकम है, एस, यू, आर और एफ। इन चारों को अगर इकट्ठा किया जाए तो इनको बोलते हैं चार्जेबल रेंट। साइनिंग अमाउंट इज टोटली टैक्सेबल, अनएडजस्टेबल अमाउंट इज 1/10 टैक्सेबल फॉर 10 ईयर, रेंट इज टोटली टैक्सेबल, फोरफिटेड डिपॉजिट इज टोटली टैक्सेबल, और यही इंडिविजुअल और एओपी की इनकम कहलाएगी। उसके बाद है इसके एक्सपेंसेस, हमने एक्सपेंसेस की भी बात की थी कि इसमें हाँ एक्सपेंसेस अलाउ हैं किसको, नंबर वन कंपनी को या वो इंडिविजुअल और एओपी जिनकी चार्जेबल रेंट 4 मिलियन से ज्यादा हो। और उन एक्सपेंसेस में सबसे पहला था रिपेयर, उसके बाद था कलेक्शन और अदर चार्जेस, फिर उसमें आपके पास थे लीगल चार्जेस, फिर उसमें था टैक्सेस अदर एन इनकम टैक्स, फिर उसमें था ग्राउंड रेंट, राइट, उसमें था अनपेड रेंट, उसमें था इंश्योरेंस, ठीक, उसमें था इंटरेस्ट, ठीक है। इसकी 1/5 है ये ऑफ दी चार्जेबल रेंट और इसकी मैक्सिमम लिमिट है 6% ऑफ दी चार्जेबल रेंट, तो ये भी माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम आपकी आएगी। ये चार चीजें हमने यहां पढ़ी थी। उसके बाद हमने कहा कि अगर एक रियल एस्टेट वाला अगर लैंड और बिल्डिंग को सेल कर दे तो वो उसकी बिजनेस इनकम होगी, इसी तरह अगर आप डिप्रिसिएबल एसेट्स को, डिप्रिसिएबल
एसेट में क्या आएगा, सिर्फ बिल्डिंग ही आएगी ना, मतलब वो कौन सी बिल्डिंग है, या तो वो फैक्ट्री बिल्डिंग होगी या ऑफिस बिल्डिंग होगी, उसको बेचा जाएगा तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम में, यानी लैंड और बिल्डिंग का बेचना बिजनेस में जा सकता है। इसके अलावा अगर लैंड और बिल्डिंग को आप बेचेंगे तो इसके अलावा अगर आप लैंड और बिल्डिंग को डिस्पोज ऑफ करेंगे, डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वो कहाँ जाएगी, कैपिटल गेन में जाएगी। फिर हमने कहा कि हाँ, लैंड और बिल्डिंग से एक ऐसी इनकम भी जनरेट होती है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। सबसे पहली थी उसमें सब लेटिंग, सब लेटिंग यानी एक किराएदार आगे उसको बेच दे, सब लेटिंग ऑफ लैंड और बिल्डिंग, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। उसके बाद हमने कहा था उसमें था रेंटिंग ऑफ बिल्डिंग विथ प्लांट एंड मशीनरी, रेंट ऑफ बिल्डिंग विथ प्लांट एंड मशीनरी। फिर उसके बाद हमने बात की थी ग्राउंड रेंट, अगर आपकी बिल्डिंग है लेकिन आप किसी को, जमीन किसी की है उसको रेंट दे रहे हैं, तो उसके लिए ग्राउंड रेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। उसके बाद था अमाउंट अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ एमेनिटीज एंड यूटिलिटीज। उसमें जाएगा। और उसके बाद था वोकेशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग। सर, ये वोकेशन ऑफ बिल्डिंग बाय टेनेंट नहीं था? टेनेंट का था ना, टेनेंट के यस लिए है। वोकेशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग बाय दी, आपने ड्राई दिया मुझे, तो ये भी उसकी 1/10 ये होगी। लें जी, और आज हमने पढ़ा एग्रीकल्चरल इनकम को एग्जेम्प्ट होगी। लें जी, अब मेरा आपको चैलेंज है कि आप पास पेपर उठा लें, ये जो तस्वीर आपके सामने मैंने रखी हुई है, ठीक है, कोई पास पेपर उठा लें, कोई किताबें उठा लें, इंशाल्लाह ताला इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है वो इनकम इससे बाहर नहीं आएगी। समझ आ गई जी? ये आज का मेरा कंक्लूजन था। ये पिक्चर बेशक नोट कर लें, इसको आपने समझ लें कि तावीज समझ के रट्टा लगा लेना है, ये आपका कैफ लेवल पे भी यूज होगा यही कॉन्सेप्ट, और अगर चेंजेस ना आई तो सी फैप के अंदर भी ये आपकी बहुत हेल्प करेगा जी। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर सर किसी, इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं।